तो यार कैसे हो सब लोग यार, आज की वीडियो में आप सबके साथ बात करूंगा कि कैसे आप सब लोग अपने ये एक क्लैन बना सकते हो। और ऐसे कमेंट्स यार मेरे को बहुत सारे मिले थे मेरे को, इसलिए मेरे को एक वीडियो बनानी पड़ी। बट मेरे को भी लगता है यार ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। अगर आप एक नया क्लैन बनाना चाहते हो या तो आपने एक बना लिया है और आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, तो आज की वीडियो में यार मैं आप सबके साथ इसी बारे में बात करूंगा। तो चलो यार एक बार ये वीडियो शुरू करते हैं। यार एक मैं सिंपल सी बात सबसे पहले यहाँ पे आप सबके साथ शेयर करूँ कि आप कौन से टाइप के क्लैन में जाना चाहोगे। मतलब एक TH4 का अगर लीडर है वहाँ पे, या तो फिर एक TH10 का लीडर है वहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट यहीं पे क्लियर होता है कि मेन प्लेयर जो है, जो लीडर है क्लैन का, वो कम से कम यार TH9 तो होना चाहिए। क्योंकि TH9 के पास नॉर्मली डिसेंट ट्रूप्स होते हैं, सिर्फ उसके पास एक बॉलर और एक माइनर ही नहीं हो पाता जो कि वो डोनेट ना कर पाए अपने क्लैन में। मतलब एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो सारी चीज़ों में आगे रहे। मतलब डोनेशंस हो गई, क्लैन वॉर्स अटैक हो गए, होल्ड करने उसको अटैक से इन फ्यूचर जो भी करना हो XYZ, बट वो सारी चीज़ों में पार्टिसिपेंट होना चाहिए। मतलब इन फ्यूचर अब अगर आप सोचोगे वॉर सीसीज में भी अगर उसको काम करना पड़ा, तो वो नॉर्मली हाउंड भी डोनेट करना पड़ा उसको, तो भी वो TH9 हाउंड डोनेट कर सकता है, एट टू द मैक्स लेवल कर सकता है वो। मतलब मैक्स तो नहीं कर पाएगा बट लेवल 3 का तो वो कर ही देगा। और उसके अगला एक जो पॉइंट आता है, सबसे बड़ी पॉइंट जो ये है, आपको क्लैन लोकेशन कौन सी सेट करनी है। अगर आप यार इंडियन हो तो मोस्टली सबको ऐसा चाहिए होता है कि यार एक इंडियन सा एक अपना ही सारे इंडियन प्लेयर्स हो क्लैन में, और एक नॉर्मल लैंग्वेज चले, एक डिसेंट लैंग्वेज चले जो एक कॉमन हो सबके बीच में, हिंदी। अगर आप कोई इंटरनेशनल क्लैन रखते हो और वहाँ पे कोई US का बंदा आया, तो यार उसको ऑब्वियसली बात है थोड़ी बहुत उसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर बन जाएगा कि मतलब यहाँ पे हिंदी चल रही है और मेरे इंग्लिश यहाँ पे, मेरे से कोई चैट करने में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। या तो उसको भी थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि नहीं ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या मेरे को तो नहीं बोल रहे ऐसा कुछ। और उसके बाद जो एक मेन पॉइंट बन जाता है, सबसे ज़्यादा कमेंट इस बात के मेरे को आए थे जिसके लिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी, क्लैन में मेंबर्स कैसे आए। क्लैन में मेंबर्स यार तब आएंगे जब आप सब लोग थोड़ी बहुत डोनेशंस करनी शुरू करोगे। डोनेशंस मेन है। अगर आपकी जो डोनेशन रेशियो है वहाँ पे अगर बिल्कुल ही, मतलब सीजन के एंड तक में आपकी अगर 1000-2000 डोनेशन होगी ना अगर क्लैन के लीडर और को लीडर्स की, तो कोई भी उस क्लैन में नहीं आना पसंद करेगा। साफ सीधी सी बात, अगर आप उस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करके एट द एंड ऑफ द सीजन अगर आप 10,000, 15,000 or 20,000 ईवन अगर आप करते हो, तो मतलब कौन नहीं आना चाहेगा यार उस क्लैन में। मतलब इतनी अनलिमिटेड डोनेशंस अगर मिलती हो तो मज़ा ही आ जाएगा, इवन मैं भी आना पसंद करूंगा उस क्लैन में। और क्लैन मेंबर्स की बात ऐसी है, जब आप बिल्कुल ही नया क्लैन बनाते हो, ब्रांड न्यू क्लैन बनाते हो, तब आपको ये होता है कि यार मैं अकेला कैसे पूरा क्लैन बना सकता हूँ। मतलब ग्लोबल में जाके मैं कैसे इतना सारा रिक्रूट कर सकता हूँ अकेला ही, अकेले डोनेशंस करनी पड़ेगी। तो उसके बाद एक फैक्टर आता है कि यार अपना क्लैन कभी अकेले मत बनाओ। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, और नॉर्मल सी बात है सबके फ्रेंड्स होते हैं, मतलब 5 या 6 फ्रेंड्स आपके सबके होने चाहिए कि जो क्लैन अगर बना रहे हो, तो 5-6 फ्रेंड्स तो ऐसे होने चाहिए, या तो जो क्लैन मेंबर ऐसे जो कभी लीव ना करे क्लैन को और 110% लॉयल्टी से क्लैन में रहे, तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है यार। अगर 5-6 मेंबर्स अगर आपके पक्के हो गए ना, तो आपकी 10 vs 10 की वॉर तो मतलब चलती रहेगी क्लैन में। अगर 10 में से 5 प्लेयर भी अगर आपके अच्छे हुए, तो मतलब पांचों प्लेयर के 2-2 अटैक्स, मतलब आप वॉर तो हारोगे नहीं इनिशियल वॉर्स, क्योंकि आप सबके 5 या 6 प्लेयर तो ऐसे हैं कि जो कभी वॉर अटैक्स खराब कर नहीं सकते। इवन करते भी हैं तो आपके नॉर्मल दूसरे क्लैन मेंबर्स भी हैं जो अटैक्स मतलब ठीक तो करते होंगे, तभी आप लोगों ने एक्सेप्ट करा है। और उसके बाद जो एक पॉइंट आता है, जो ग्लोबल चैट्स होती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्टिव रहा करो, क्योंकि वहाँ पे ही आप सब लोग ओरिजिनल रिक्रूटमेंट कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप किसी के भी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में गए, या तो किसी के लाइव स्ट्रीम्स में गए और वहाँ पे लिख दिया कि मेरे को क्लैन मेंबर्स चाहिए, तो वो कभी नहीं मिल सकते। लॉयल नहीं मिलेंगे, एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3rd दिन वो खुद ही चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार इसका मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है, और क्लैंस भी क्लैन वॉर में मैं इधर किसी को जानते नहीं हूँ, मतलब सारे अननोन पर्सन हैं। उन सब के साथ रहने में ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा अप डाउन होता ही है, बट स्टिल अगर आप ग्लोबल चैट्स में जाओगे, वहाँ पे थोड़े बहुत आप सब लोगों को देख के पता चल जाता है कि हाँ ये प्लेयर थोड़ा एक्सपीरियंस है, इसको थोड़ा सा मतलब मक्खन लगा के अपने क्लैन में बुलाते हैं, तो वो थोड़ी बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो जाती हैं। और आपके और ऐसा मत करो ग्लोबल में कि आई नीड मेंबर्स, जस्ट नॉर्मल बात करो और डिसेंट मैच्योर्ड एज अ मैच्योर प्लेयर बात करोगे, तो सामने से ही वो ज्वाइन की रिक्वेस्ट मांगेगा आप सबसे क्लैन में आने के लिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका क्लैन लीडर जो सबसे पहले जो पुशिंग जो एक टाइप का फैक्टर है जो कि क्लैन की जो मेंबर्स है वो बढ़ा देता है, क्योंकि अट्रैक्शन जो होती है ना क्लैन की,
स्टार्टिंग में अगर स्टार्टिंग के प्लेयर्स अगर किसी को दो तीन टाइटन लीग के प्लेयर दिख गए, दो तीन चैंपियंस लीग के प्लेयर दिख गए, साथ में मास्टर लीग के भी दिख गए ना, तो क्लैन अपने आप से चमकने लगता है। तो दूसरे ग्लोबल वाले तो यही देखते हैं कि मतलब सही होना चाहिए यार क्लैन ऊपर से नीचे तक टाइटन लीग, और थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साफ सीधी बात, जो क्लैन लीडर है ना उसको एक दो महीने तो लग के मेहनत करनी पड़ेगी क्लैन में अगर परफेक्ट बनाना है तो। और इसके बाद जो एक मेन पॉइंट आता है कि आप सब लोग रेगुलर वॉर्स करा करो अपने क्लैन में, ये नहीं कि आप टू ट्वाइस अ वीक कर रहे हो या तो मतलब थ्राइस अ वीक कर रहे हो, ऐसा कुछ ऐसा मत करो यार। मतलब रेगुलर वॉर्स करो, क्योंकि आपको आपके जो मेंबर्स न्यू आए हैं उनका भी पता चलेगी ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वॉर्स में, कैसी डोनेशन कर रहे हैं, कैसी वॉर डोनेशन कर रहे हैं। और लीडर तो यार हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ एक कोई सिचुएशन अगर खड़ी हो जाए किसी के सामने तो वो टैकल करने के लिए हमेशा लीडर ही सही बंदा है जो कि सारी चीज़ें ठीक कर सकता है। और जो प्रोमोशंस, सबसे बड़ी बात जो क्लैन में प्रोमोशंस की होती है, तो प्रोमोशन यार कभी भी किसी को इतनी इजीली मत दो कि वो मतलब उसके लिए मेहनत ही ना करे कभी भी अर्न करने के लिए उसको। कभी भी ऐसे इजीली प्रोमोशन अगर आपने दे दी ना, तो मतलब समझ लो कि सामने वाला बंदा कभी डोनेशंस नहीं करेगा और कभी भी कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चाहे वो क्लैन वॉर्स हो गई, उसको मतलब इतनी मतलब क्या जिसको बोलते हैं ना कि इतनी ढील मिल जाएगी, इतना मतलब इंडिपेंडेंस मिल जाएगी क्लैन में रहने की कि वो बंदा सोचेगा कि नहीं यार अब तो मेरे को को लीडर मिल गया, एल्डर मिल गया, तो अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और इसके बाद जो एक मेन बात आती है क्लैन लेवल्स की, जो क्लैन पर्क्स जो यहाँ पे हैं, जो बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे दिमाग में रखते हैं कि यार मेरे को लेवल 10 का ही क्लैन चाहिए, बट ऐसा नहीं होता यार। मैंने बहुत देखा है, मेरा जो K18 गेमिंग वाला क्लैन है अभी भी बेसिकली, वो भी जस्ट मैंने अभी बंद कर रखा है, बट जो मेरा भी वो क्लैन था ना जब स्टार्टिंग में हमने करा था लेवल 1 का क्लैन था, मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतने मेंबर्स वगैरह आ जाएंगे, बट लेवल 5 तक जब वो क्लैन गया था ना तब तक ऐसा लगा था कि अब तो क्लैन को कुछ कोई बंद कर ही नहीं सकता। अभी भी अगर मेरा क्लैन में दो तीन मेंबर रख के मैंने बंद करा हुआ है, मेरे को अभी भी पता है कि जब मैं वो क्लैन खोलूंगा ना आराम से 50 मेंबर्स मेरे को मिल जाएंगे। पता है यार कि उस KTM गेमिंग में जो भी बंदा आएगा डोनेशन अच्छी मिलेगी, हालांकि वॉर इतनी परफेक्ट नहीं होते वो तो मैं भी एडमिट करता हूँ, बट फिर भी डोनेशंस हो गई, नॉर्मल एटमॉस्फेयर हो गया जो क्लैन का, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है और ऑब्वियसली बात है जहाँ पे हम होंगे वहाँ पे बढ़िया ही रहेगा। और जब आपने क्लैन बना दिया है, और ये मत सोचो कि यार कभी बन नहीं सकता अच्छा क्लैन, अगर वहाँ पे छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली बात है नहीं बन सकता, क्योंकि आपने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी और वहाँ पे ही मतलब नेगेटिव सोचना शुरू कर दे कि अब से क्लैन नहीं बन सकता और मतलब मैं खुद संभाल नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी मेरे को भी ऐसी बहुत थॉट्स आते हैं, बट मैंने ये नहीं करा कि पूरा ही क्लैन बंद करके हट गया बिल्कुल ही, बट हाँ ये है कि कभी कभी बंद करना पड़ता है, कभी सिचुएशंस आती है कि यार मतलब इतना एक्टिव नहीं रह पाते हम जैसे कि अभी है, तो उस सिचुएशन में आप सबको बंद करना पड़ता है। और आजकल की डेट में इतनी सारी सोशल ऐप्स है जहाँ पे आप सब अपने क्लैन मेंबर्स के साथ मतलब इंटरेक्ट कर सकते हो, लाइन हो गई, डिस्कॉर्ड हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन बिटवीन अगर आपको नंबर भी शेयर नहीं करते तो डिस्कॉर्ड सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है। वहाँ पे नॉर्मल आप सब लोगों को IDs बनानी होती है, सर्वर बनाना होता है, उसके बाद जाके आप वॉइस चैनल भी क्रिएट कर सकते हो। जब भी क्लैन वॉर में कोई अटैक करता तो आप सब उसके साथ वॉइस के साथ भी मतलब इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी बातें थी जो कि आप सब लोगों को एट द बैक ऑफ द माइंड रखनी पड़ेगी जब आप लोगों को क्लैन अच्छा परफॉर्म करवाना है, मतलब अच्छा स्टेबली चलाना है, स्मूथ चलाना है, और कितना भी लंबा चलाना है क्लैन को, रेगुलर चलाना है। तो ये सारी जो टिप्स थी मैंने ओवरऑल सारी कवर करी हैं इस वाली वीडियो में। अगर आप सब लोगों को यार ये वाली वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक करो, और होपफुली यार आप सबको पसंद आई होगी वाली वीडियो, तो कमेंट करके बताओ यार मेरे को कि आपको हेल्पफुल हुई है कि नहीं हुई। तो यार सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी मेरी ऐसे क्लैश ऑफ क्लैंस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशंस वगैरह होती है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं अपनी वीडियो में कवर करता हूँ। तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर।